छह जजेस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतूत लिखे हैं उनका ज़मीर जागा है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ज़दोकोब किया, लोअर जुडिशरी के जजेस को किया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ और हमारे पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ वो फैसले दें। जाबिराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि जिस तरह 8 फरवरी को बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने लोगों को सेलेक्ट किया, लोगों को हमारे ऊपर मुसलत किया, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़ आइने पाकिस्तान जो हमने शुरू की है उसमें एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती। कल हमारी अलायंस जिसका नाम तहरीक तहफ़ आइने पाकिस्तान है, उनके 2 जलसे हुए थे, तारीखी जलसे, एक पिशीन के मुकाम पर और एक चमन के मुकाम पर। बलूचिस्तान की हुकूमत ने बेताशा कोशिश की मीडिया को और हमारे वर्कर्स को ज़दोकोब करने की, ना जाने की, झंडा ना अलाउ किया, पर ख़राब मौसम के बावजूद लोग वहाँ पे रिकॉर्ड नंबर में आए और वो जलसे कामयाब हुए। ये आगाज़ है इन जलसों का। पूरे पाकिस्तान में हम लोग इंशाल्लाह ताला जलसे करेंगे। मैं शरीफ खान साहब को और इनके दोस्त अहबाब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। शरीफ खान साहब, आप अपने घर वापस आए हैं और आप एक ऐसे टाइम पे वापस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को आप पहले ही तहरीक इंसाफ आपके दिल में थी, पर कई वजूहात की वजह से, इसका आप जिक्र भी कर रहे थे, आप पार्टी से अलहदा अलहदगी आपने इख्तियार की और अभी बावकार तरीके से अपने घर आप वापस आ रहे हैं। हम लोग आपको इस सख्त मौके पर, एक सख्त टाइम पे जब आप पार्टी में आ रहे हैं, आपका हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको वेलकम भी कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा, लोग मराद देखते हैं, लोग फंड्स देखते हैं, लोग स्कीमें देखते हैं। आपने सब कुछ ठुकराया और सही ठुकराया, क्योंकि आने वाली नस्लें आपके इस घर में, आपके बच्चे, आपके बच्चियाँ, आपके रिश्तेदार, आपके इस मोहल्ले के लोग, वो आपको फ़ख्र की निगाह से देखेंगे कि शरीफ खान साहब वो शख्स थे जिन्होंने नज़रिए को तरजीह दी, ना कि नाली गली की पुरानी रवायती सियासत को। और आज देख लें कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो बिसाखियों पे वज़ीर आज़म बना, या सूबा बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना, या सूबा पंजाब की वज़ीर आला बनी, फॉर्म 47 के बिसाखियों पे और वो रेत के पहाड़ पे खड़े हैं, तो ये आवाम का समुंदर, जिस तरह के करोड़ों और शरीफ खान मौजूद हैं मुल्क में, जिनका ज़मीर जो है वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को, उनके नज़रिए को अपनाएं और अपना हिस्सा डालें। मैं 2 दिन 3 दिन पहले जिस वक्त पटना आ रहा था, और ये मैंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में भी बात कही, मुझसे कई लोगों ने आके जब मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हमारा सियासत से कुछ ताल्लुक नहीं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अपना काम करते हैं, पर कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये शऊर हमारे अंदर बेदार किया और हमने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिया। इसके साथ साथ मैं अपने जो सदूर बलूचिस्तान के रह चुके हैं, कासिम खान सूरी साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, और जिस तरह शरीफ खान साहब ने कहा, वो खुद और उनका ख़ानदान बेतहाशा मुसीबतों से गुजर रहे, गुजरा था, गुजर रहा है इस वक्त। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और वो एक बहादुर शख्स हैं। उनके साथ साथ सालार खान साहब, वो उनके खिदमात को हम लोग कदर की निगाहों से देखते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे दाएं तरफ यहाँ पे बैठे हुए दाऊद शाह साहब, हमारे मौजूदा यंग सूबा बलूचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, और इनकी टीम और इनकी काबीना, मैं इनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि बहुत सख्त हालात में इन्होंने इस वक्त बागडोर पार्टी के संभाली है, इलेक्ट हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला पार्टी को ये बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे और चला सकेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बात कहता चलूँ आखिर में एक दो बातें करके, कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है उसमें एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती। क्यों? क्योंकि 6 जजेस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतूत लिखे हैं, उनका ज़मीर जागा है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ज़दोकोब किया, लोअर जुडिशरी के जजेस को किया,
کیوں؟ کیونکہ وہ کو فورس کرنا چاہ رہے تھے، ان پہ زور ڈال رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے دیں. ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ججز کے اوپر فیصلہ مطلب پریشر ڈالا جائے کہ غلط فیصلے لیے جائیں. یہ پرانا پاکستان نہیں رہا، یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو عمران خان صاحب کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے بھی عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، یہ لوگ بالکل نہ سمجھیں کہ بشرا بی بی خدا نخواستہ ان کی کمزوری ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، بشرا بی بی عمران خان صاحب کی طاقت ہے، وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، ہمارے خواتین پریزنر جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے تقریباً 106 ملٹری کورٹس کے جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جو ٹرائی ہو رہے ہیں. سویلینس کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہی بات کروں گا کہ شریف خان صاحب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں واپس شمولیت کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ نے بہت پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس پہ آغاز کیا، آئین اس پہ آپ اس پہ ایکٹیو رہے ہیں، لکھنے میں ایکٹیو رہے ہیں. آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مراد سعید اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا، تو آپ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ خطہ بلوچستان کا، یہ میرا اپنا خطہ ہے، ہمارا آباؤ اجداد اسی خطے سے تقریباً 400 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے ہزارہ میں خیبر پختونخوا میں گئے. قبیلہ میرا طور ترین قبیلہ ہے، تو ہم لوگ اپنے خطے میں خود بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ جو بھی صوبہ ہو اس کے وسائل ان کے لوگوں کے لیے پہلے خرچ ہونے چاہیے، ان پہ لگنے چاہیے. بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے پہلے مستفید ہوں، پھر باقی لوگ جو ہیں ملک کے وہ مستفید ہونے چاہیے. اور بلوچستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے. تمام بھائیوں کا میں مشکور ہوں کہ میرے غریب خانے میں آپ لوگوں نے تشریف لائے. سب سے پہلے آج 14 تاریخ، آج 14 تاریخ کو میں پاکستان پیپلز پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور اسی طرح میرا جو پرانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، جس سے میرا خونی رشتہ ہے، جو میرے دل میں، جس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا تھا، 11 سال میں نے اس پارٹی کو پوری بلوچستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں صوبائی صدر قاسم خان سوری کی قیادت میں ہم لوگوں نے پال کیا تھا. لیکن بعض عناصر کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے سکا کہ ان کی وجہ سے میں نے اسی پارٹی کو اس وقت جو چھوڑا، شاید وہ میرا مجبوری آپ لوگ سمجھے. پھر 2018 میں نے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا. پھر 2024 میں 8 فروری کو جو سلیکشن ہوا، الیکشن نہیں ہوا، پورے ملک میں جو الیکشن ہوا، آپ لوگوں کے میڈیا حضرات اور ساپی حضرات کے دماغ میں، سوچ میں خامخواہ یہ سوال آتا ہے کہ یار ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ہے اور مرکز میں بھی ہے، اس حالات میں بعض لوگ، میں ان کو کیا بولوں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مجھ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جس کا گورنمنٹ بھی ہو وہ پارٹی کو چھوڑتے ہیں، اس کا کوئی وجہ تو ہوگا. لیکن عمر ایوب صاحب، میں یقیناً پورا یقین دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی مراحت کے لیے، فنڈ کے لیے، روڈ کے لیے، نالی کے لیے سیاست نہیں کیا ہے. میں نے جو سیاست کیا ہے، میں نے سیاست صرف اور صرف لاچار، غریب، بے بس انسان کے لیے کیا ہے. اور میں نے، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں غریبوں کا خدمت کروں،
लेकिन इस जाबिराना निज़ाम में जो 8 फरवरी को मैंने देखा, दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम लोगों का जो मुल्क का जो हालात है आजकल, जिसके हमारे कौम और हमारे मुल्क के आवाम सामना कर रहे, यकीनन मेरा ज़मीर में उसको इजाज़त नहीं देता था कि कैदी नंबर 804 जो जेनियन वज़ीर आज़म है और 47 फार्म वाला जो आज वज़ीर आज़म है, इसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मैंने फैसला किया कि मेरा ज़मीर इस मुझको इजाज़त नहीं देता है। यकीनन आप लोग बावर करें, आप लोग यकीन करें कि मैंने PTI सिर्फ और सिर्फ आज इसलिए ज्वाइन किया कि ये जो निज़ाम है, अगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम और आप सब नौजवान नहीं निकले तो सिर्फ इमरान ख़ान कुछ नहीं कर सके। अगर हम और आप सब इस जबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि जिस तरह 8 फरवरी को बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने लोगों को सेलेक्ट किया, लोगों को हमारे ऊपर मुसलत किया, आज मैं इसी मीडिया की तवसत से उन भाइयों को पैगाम देता हूँ कि आए इखलाकी मज़ाहरा करें। आए मैंने भी मेरे साथ कल से रबते शुरू है कि उन लोगों को पता हुआ है कि शरीफ खान आप PTI में जा रहे हैं, हम आपको फंड देंगे, हम आपको इस्कीमात देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे, लेकिन मैंने बोला आप लोगों का इस्कीमात भी नाजायज़ है अगर मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि आप लोग अवामी नुमाइंदे नहीं है। आप लोगों को जिन लोगों ने मसलत किया, पूरे मुल्क में जो मसलत किया हुआ है, इन लोगों को चाहिए कि पूरी पूरी असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफा दे, ताकि इस मुल्क में लोगों में सियासी शूर पैदा हो जाए और कैदी नंबर 804 का साथ दे, ताकि इस मुल्क में तरक्की आ जाए, अमन आ जाए, लोगों में सियासी शूर पैदा हो जाए। इसलिए आज मैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और बकाया एक बात रह गया, कासम सूरी साहब जो हमारा पुराना दोस्त भी है, मेरा भी दोस्त रह चुका है, यकीनन उसके बच्चों को जो टॉर्चर कर रहे हैं, हम इसका बहुत मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि वो भी हमारे और आपके बीच में होंगे और इसी पार्टी को इंशाल्लाह बलूचिस्तान में और मजबूत करेंगे। कि ये तहरीक का क्या है, देखिए एक एवलांच पहाड़ी सिलसिलों में होता है कि ऊपर से बर्फ़ का तोता आके गिरता है और वो एक दम शुरू हो जाता है, मतलब छोटा सा पीस होता है वो स्पीड गेन करता है और बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आ जाता है। ये तहरीक वो है, इस तहरीक ने इस हकूमत को अपनी जद में लेके पाश पाश कर दे रहे हैं। वजह मैं फिर उसको बताता हूँ, ये हुकूमत जो है ये बिसाखियों पे, फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। अवाम का आपने खुद, मीडिया के हजरात आप यहाँ पे बैठे हैं, अवाम का खुद आपने वहाँ पे जोश और जज्बा देखा, वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, पिशीन में पानी खड़ा था, वर्कर्स ने खुद वो जलसा गाह साफ की, यहाँ पे हमारे वर्कर्स को छोड़ नहीं रहे थे, मीडिया को ज़्यादा कॉप कर रहे थे बलूचिस्तान पुलिस वाले, पर लोग आए, कामयाब जलसे हुए और बेहतरीन लोगों का रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो मोहब्बत जो प्यार बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 2 दिनों में, मतलब हम लोग देख रहे हैं, ये मिसाली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइज जो है सब के साथ इंशाअल्लाह ताला ये और भी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए PTI को वापस ज्वाइन किया कि आपके सामने, क्योंकि मोराइब साहब भी इस्लामाबाद जा रहे हैं, वापस ही उसका लेट हो रहे हैं, आसिफ साहब बार बार इशारे कर रहे हैं। बात इस तरह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ पूरे मुल्क में, इलेक्शन तो नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ, 100% सिलेक्शन हुआ। इसी सिलेक्शन में अगर हमारा ज़मीर थोड़ा ज़िंदा है तो हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए क्या असल जैन वज़ीर आज़म इस मुल्क का कौन है और असल मेंबर जो बलूचिस्तान असम्बली का है वो कौन है। तो मैंने सोचा कि अगर इस जबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हम खुद आवाज़ नहीं उठाए, मराहत तो और किसी को मिल सके। मराहत अल्लाह ने हमको इतना दिया है कि हम खुद इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि मैंने हर वक्त लोगों के लिए खर्च किया है, तो अभी भी खर्च करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि यही मराहत हम लोग इसी आवाम पर लगाएंगे।